नमस्कार जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। वक्त हो गया 100 खबरें फटाफट की ओर रुख करने का। रुख करेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय खबरों की ओर। आज सुप्रीम कोर्ट में तीन बड़े मामलों पर सुनवाई होगी। बता दें आपको कि सबरीमाला और राफेल और साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। और बता दें आपको कि पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ब्राजील के 2 दिवसीय दौरे पर ब्राजील पहुंचे। आपको बता दें जहां पर पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और साथ ही चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि शिवसेना की मांग किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं थी। अमित शाह ने कहा कि कई बार मैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर पर कह चुके थे कि अगर हमारा गठबंधन चुनाव जीतेगा तो फिर देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, और उस समय किसी ने इसका विरोध तक नहीं किया था। अमित शाह ने कहा कि सरकार गठन के लिए इतना वक्त तक किसी राज्य में नहीं दिया गया और महाराष्ट्र में 18 दिन का समय दिया गया। राज्यपाल ने सभी पार्टियों को तभी बुलाया जब विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। अमित शाह ने कहा कि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और नन्ना हम ने सरकार बनाने का दावा किया। अगर आज भी किसी दल के पास नंबर है तो वो राज्यपाल के पास जा सकता है। अमित शाह ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव हों। जब 6 महीने समाप्त होंगे तो फिर राज्यपाल इस पर कानूनी सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में सत्ता और कुर्सी का दंगल जारी है। सरकार गठन में देरी होने पर महाराष्ट्र में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति शासन की मंजूरी राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के ट्रांजिट होटल में कांग्रेसी नेताओं के साथ मुलाकात की, जहां पर बताया जा रहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात के बाद जब शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मीटिंग को लेकर मीडिया से सवाल पूछा, जिस पर उद्धव ठाकरे ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। जयपुर के रिजॉर्ट से कांग्रेस विधायकों को मुंबई लाया गया, जहां पर कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सरकार गठन को लेकर आलाकमान जो फैसला करेगा वही हम करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत को लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिली। बता दें कि अस्पताल से बाहर आते ही संजय राउत ने कहा है कि अब तबीयत ठीक है और वो काम पर वापस लौट रहे हैं। बता दें आपको कि शिवसेना को लेकर जिस तरीके से एक बात तो निश्चित है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा, ये बात कही है शिवसेना नेता संजय राउत ने। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच अब कांग्रेस ने 16 नवंबर को कई राजनीतिक मुद्दों पर दिल्ली में चर्चा करेगी, और जिसमें कि कांग्रेस के महासचिव और सचिव, पीसीसी अध्यक्ष और साथ ही सीएलपी नेताओं को बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में अब सीधे राम मंदिर बनेगा। केंद्र सरकार की ओर से बनाए जाने वाले ट्रस्ट को जमीन सौंपी जाएगी और इसके अलावा जमीन को लेकर अब कोई अन्य रजिस्ट्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान को कानूनी मान्यता देते हुए विवादित भूमि 2.77 एकड़ का मालिकाना हक उनको सौंप दिया। राजस्व विभाग के अफसरों का मानना यह है कि जमीन विराजमान रामलला के पक्ष में बनाए जाने वाले ट्रस्ट को सीधे सौंप दी जाए। कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब तक ट्रस्ट नहीं बनता भूमि रिसीवर के कब्जे में ही रहेगी और अधिग्रहित परिसर के रिसीवर और साथ ही कमिश्नर मनोज मिश्रा ने बताया है कि दरअसल जमीन केंद्र सरकार से बनने वाले ट्रस्ट को सीधे सौंप दी जाएगी, ये बात फैसले में लिखी है। बता दें कि यह दूसरा मौका है जब कमिश्नर और रिसीवर के मौजूद रहते कोई स्पेशल अफसर अयोध्या में बैठाया गया है, और दोनों अफसर जिले में पहले तैनात यहां पर रह चुके थे और यहां के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे। वर्तमान कमिश्नर मनोज मिश्रा के 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद बता दें आपको कि एमपी अग्रवाल यहां के कमिश्नर होंगे और वो केंद्र सरकार के रिसीवर भी होंगे। उन्होंने परिसर का निरीक्षण करने के साथ तकनीकी जानकारियां भी लेनी शुरू कर दी हैं।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता को डेंगू फ्री करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, जहां पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बताते आपको कि साथ ही कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। हिरासत में ली गई बीजेपी कार्यकर्ता अरिमचिम मित्रा ने कहा है कि दरअसल हमारे पास विरोध प्रदर्शन की अनुमति थी और हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुरुष पुलिस कर्मियों ने महिलाओं से बदतमीजी यहां पर की है। जेएनयू के छात्रों के विरोध प्रदर्शन के सामने आने पर सरकार को झुकना पड़ा और जेएनयू हॉस्टल की बढ़ाई हुई फीस सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। जेएनयू प्रशासन ने हॉस्टल के रूम रेंट में भारी बढ़ोतरी की थी और पहले जहां पर सिंगल सीटर हॉस्टल का रूम रेंट 20 रुपए था, वो प्रशासन ने बढ़ाकर 600 रुपए यहां पर कर दिया था। इसके अलावा कई सख्त नियम भी बनाए थे। छात्रों के प्रदर्शन के बाद जेएनयू की इसी बैठक में, आपको बता दें, गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता देने का भी प्रस्ताव यहां पर पारित हो गया है, इसकी जानकारी भी दी गई है। कर्नाटक के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के स्पीकर के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस्तीफा देने से स्पीकर के अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं, हालांकि अयोग्यता के मामले में विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य विधायकों को राहत देते हुए आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव लड़ने की अनुमति दी है और कोर्ट ने कहा है कि विधायकों को विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य ठहराया नहीं जा सकता है। बता दें कि 5 दिसंबर को कर्नाटक में विधानसभा की 15 सीटों पर उपचुनाव है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अब सीजीआई का ऑफिस भी आरटीआई के तहत आएगा। आपको बता दें कि दरअसल सीजीआई का जो ऑफिस है वो भी आरटीआई के तहत आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नियम भी जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि सीजीआई ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है और इसके तहत ये आरटीआई के तहत आएगा। हालांकि इस दौरान सीजीआई दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी। आईएनएक्स मीडिया केस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 27 नवम्बर को होगी। एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिसंबर से ई ऑटो सड़कों पर दौड़ते नजर आएंगे। बता दें आपको कि परिवहन विभाग ने भी ई ऑटो के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ई ऑटो का भी रजिस्ट्रेशन आरटीओ से ही होगा और इससे प्रदूषण का लेवल कुछ हद तक जरूर कम होगा। बता दें आपको कि नई दिल्ली की एक कंपनी की ओर से ई ऑटो को तैयार किया जा रहा है। ई ऑटो पहले गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ में भी मेरठ में चलाए जाएंगे और इसके बाद उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी जनवरी से चलाए जाएंगे। नोएडा में सीएनजी और डीजल के 18,000 से ज्यादा ऑटो चलते हैं और फिलहाल ई ऑटो की कीमत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा और इसके लिए हरियाणा राजभवन में शपथ समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा में आज होने वाले कैबिनेट विस्तार से पहले विभागों का बंटवारा हो गया है और जेजेपी गठबंधन सरकार में कुल 11 विभाग मिले हैं। राजभवन में शपथ समारोह में सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हरियाणा बीजेपी प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन और साथ ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। आज राजभवन में 12:30 बजे राज्यपाल
मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। बता दें आपको कि दरअसल सीएम और डिप्टी सीएम 27 अक्टूबर को पद एवं गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं और बीजेपी की ओर से मंत्रिमंडल में अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर सहित कई मंत्री शपथ लेंगे। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कि पराली प्रबंधन और एस्टेट परीक्षा समेत कई मुद्दों अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस दौरान बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। यमुनानगर में बीजेपी नेता कंवरपाल गुर्जर ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पराली के प्रबंधन के लिए गैर बासमती धान लगाने वाले किसानों को सरकार की ओर से मदद दी जाएगी और इसके लिए सरकार 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च करेगी।